हेलो कोडर्स तो आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी और इसमें हम फोर्थ एक्सरसाइज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फेमस कोड ये कहते हैं कि फाइंड अ कोड फ्रॉम अ पर्सन यू एडमायर प्रिंट द कोट एंड द नेम ऑफ इट्स ऑर्थर योर आउटपुट शुड लुक सम लाइक द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द कोटेशन मार्क अच्छा ये नीचे बता रहे हैं कि मतलब हमें एक फेमस कोटेशन जो है वो उसे प्रिंट करवाने जो कोटेशन मार्क के अंदर हो और उसके ऑर्थर का नाम भी आना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एलबर्ट एंस्टाइन और वंस सेड अ परसनवर मेड अस्टेक एनीथिंग न्यू ठीक है तो हम ये करेंगे कि मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से इसको बनाएंगे तो मैं इसे इस तरह करूँगा कि ये जो कोटेशन है हेल्वर्ट एंड स्टाइन वन सेट तो मैं इसे बिल्कुल उस तरह ही लिखूंगा जैसे हमने हेलो वर्ल्ड के अंदर प्रिंट करवाया था तो हेलो वर्ल्ड में हमने क्या किया था कि कॉन्सोल डॉट लॉग में अपना हेलो वर्ल्ड लिख दिया था और फिर हमने नोड की मदद से उसे प्रिंट करवा दिया था तो इसको मैं नोड के ऊपर ही प्रिंट करवाऊंगा तो सबसे पहले हम अपने फ़ोल्डर को बना लेते हैं और इस अपने फ़ोल्डर का नाम भी जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ ये जो मैं अभी फ़ोल्डर का नाम लिखने वाला हूँ ना तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक चीज़ याद रखें कि स्पेस जब भी आपको लगाना हो ना तो आप इस तरीके से स्पेस ना लगाएं जहाँ भी आपको जैसे कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस है तो मैं यहाँ पर अंडर स्कोर का यूज करूँगा सॉरी अंडर स्कोर का मैं यूज करूंगा तो अब इन दोनों में जो फर्क है ना वो ये अंडर स्कोर करेगा मतलब अंडर स्कोर ही हमारा स्पेस है प्रोग्रामिंग में तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ ये वही फोल्डर है इसमें जो हमने एक्सरसाइज नंबर टू और थ्री बनाया था तो अब हम इसे एक्सरसाइज नंबर फोर बनाएंगे और मैं इसमें फेमस कोड कॉपी कर देता हूँ इसका नाम जो है मैं फेमस कोड मैंने रख दिया इसे ओपन करते हैं और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं शो मोर ऑप्शन ओपन विद कोड तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ तो हम अपने टर्मिनल को यहाँ से ओपन करेंगे और मैं कमांड प्रॉम्प्ट लेता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी टी एस की फाइल बनाने के लिए टी एस सी एट का यूज़ करूँगा और मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरी टी एस कॉन्फिक की फ़ाइल बनकर आ गई है अब मुझे पैकेज डॉट जेसन बनाने तो उसके लिए हम एन पी एम एन एट डैश वाई मैं इसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल जो है बनकर आ गई है अब हम अपने पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल बनाते हैं तो उसके लिए मैं एन पी एम स्पेस i स्पेस एट टाइप्स मैंने कुछ लोगों को देखा था वो यहाँ पर टाइप लिख रहे थे तो ये टाइप नहीं है ये टाइप्स है और टाइप्स के बाद हम स्लैश नोड लिखेंगे और स्पेस देकर डैश कैपिटल डी तो मैं ऐसे यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ तो हमारी पैकेज जेसन की फ़ाइल और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बन कर आ गया अब मैं अपने मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाऊंगा। तो इसका नाम जो है मैं रखूंगा फेमस कोड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने फाइल का नाम जो है वो यही रखूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हम स्पेस की जगह अंडर जो है वो यूज़ करेंगे डॉट टी एस तो मैंने फेमस कोड डॉट टीएस की जो है एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना ली है अब इसके अंदर मैं सिंपल कॉन्सूल डॉट लॉग ब्रैकेट अच्छा मैंने कुछ लोगों को देखा था कि वो राउंड ब्रैकेट जो है वो यूज करना है यहाँ पर लेकिन वो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट है ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है हमें सिंगल कॉमा यूज करना है ये स्ट्रिंग वाले कॉमे इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम अपने इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट कर रहा हूँ अब मैं अपने इस और का नाम जो है वो यहाँ पर अपनी मर्जी से रख दे रहा हूँ और मैं इस कोटेशन को भी चेंज कर रहा हूँ तो ये मैंने औरथर का नाम और जो उसकी कोटेशन है वो मैंने लिख लिया मैं एंड में सेमी कॉलन लगा देता हूँ अब ये जो हमने कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा है इसकी हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है वो कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने से पहले हमें इस फाइल को सेव करना पड़ेगा तो सेव करने का तरीका ये है कि सिंपल सेव ऑल पे या फिर सेव पर क्लिक कर दें अब अपने टर्मिनल में आके टी एस सी टाइप कर रहा हूँ मैं और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ तो मेरी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो बनकर आ गई है ऊपर अब मुझे सिर्फ यहाँ पर नोड क्योंकि मुझे अब इस अपने कॉन्सोल डॉट लॉग को जो है वो यहाँ इस टर्मिनल में प्रिंट करवाने तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो ये कॉन्सोल डॉट लॉग लिखा हुए इसको प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर नोड लिखेंगे एनओ डी ई नोड और अपनी फाइल का नाम तो ये जो फाइल का नाम है इसको मैं लिख लेता हूँ अब मैं इसे एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने नोड फेमस कोड जो मेरी फाइल का नाम है उसको मैंने स्मॉल में ही लिखा था हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी फ़ाइल का नाम है उसके जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल है और कोड का जो क्यू है वो भी कैपिटल है लेकिन मैंने यहाँ पर सब स्मॉल में लिख कर डॉट जी एस किया तो टर्मिनल ने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया इमरान ख़ान वन सेड एब्सोल्युटली नॉट तो यहाँ पर हमारा ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई है अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक है तो उस लिंक से आप ज्वाइन करें हमारे ग्रुप को और ग्रुप के अंदर काफ़ी लोग जो जिसकी भी कन्फ्यूजन है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे की जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर रहे हैं तो उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी थैंक यू